दोस्तों, हम अपने आसपास जो भी मैकेनिकल सिस्टम जैसे कि कार, एयरप्लेन, फ्रिज, वाटर पंप आदि देख रहे हैं, उसे डिजाइन और मैन्युफैक्चर करने में मैकेनिकल इंजीनियर का योगदान होता है। भारत में अगर कोई छात्र 10वीं के बाद ही मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहे तो डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर्स का ऑप्शन उपलब्ध है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग के सबसे पुराने और हमेशा डिमांड में रहने वाले ब्रांच में से एक है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर्स के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर्स क्या होता है, किनको यह कोर्स चाहिए, इस कोर्स के दौरान छात्र क्या सीखते हैं, इस कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी, ड्यूरेशन, ट्यूशन फीस और एडमिशन प्रोसीजर क्या होता है, कोर्स के लिए टॉप के कॉलेजेस कौन से हैं और इस पॉलिटेक्निक कोर्स का सिलेबस क्या होता है, मैकेनिकल से पॉलिटेक्निक कोर्स करने के बाद करियर ऑप्शंस क्या होंगे, मतलब नौकरी क्या मिल सकती है, सरकारी नौकरी के क्या चांस हैं, सैलरी क्या मिल सकती है, के साथ साथ हायर एजुकेशन के क्या ऑप्शंस मिलेंगे, यह भी बताऊंगा। और वीडियो के अंत में मैं आपको इस कोर्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी बताने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, आपको डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर्स के बारे में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। और उसके बाद भी अगर आप अपने करियर या इस कोर्स के बारे में कुछ जानना चाहें तो मुझे कमेंट कर पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर करता हूं। दोस्तों, मेरा नाम है अजय कुमार और अगर आप मेरे इस बेसिक टेक चैनल टेक्निकल अजय पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें। मैं बेसिक टेक्निकल टॉपिक्स पर वीडियो लाते रहता हूं जो सभी लोगों के लिए उपयोगी होता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक ऐसा इंजीनियरिंग ब्रांच है जो इंजीनियरिंग, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और मटेरियल साइंस के कॉम्बिनेशन से अलग अलग तरह के मैकेनिकल सिस्टम के डिजाइन, एनालाइजिंग, मैन्युफैक्चरिंग और मेंटेनेंस का काम करता है और मेंटेनेंस के काम को आसान बनाता है। यह इंजीनियरिंग के सबसे ब्रॉड ब्रांच में से एक है जिसमें मैकेनिक्स, डायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, मटेरियल साइंस, स्ट्रक्चरल एनालिसिस और इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट्स का प्रयोग होता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का उत्थान 18वीं सदी के यूरोप में हुए इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद बहुत तेजी से हुआ और आज भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग सबसे अच्छे इंजीनियरिंग ब्रांच में से एक बना हुआ है। हम हर दिन कई मैकेनिकल मशीन, इंजन और टूल्स का प्रयोग करते हैं और इन सभी को डिजाइन, मैन्युफैक्चर, टेस्ट और रिपेयर करने में मैकेनिकल इंजीनियर्स का योगदान होता है। जिन छात्रों का इंटरेस्ट मैकेनिकल फील्ड में है, मतलब जिनको मशीन के बारे में जानना, मशीन पर काम करना, किसी स्ट्रक्चर पर काम करना, किसी इंजन के बारे में जानना अच्छा लगता है, उनको यह कोर्स करनी चाहिए। मैकेनिकल फील्ड में आपके करियर की शुरुआत के लिए यह एक बेहतरीन शॉर्ट टर्म टेक्निकल कोर्स है जिसके बाद आगे आप अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं या इंजीनियरिंग कर अपने करियर को आगे लेकर जा सकते हैं। साथ में जिन छात्रों को मैकेनिकल सेक्टर में अपना करियर बनाना है लेकिन उनके पास रिसोर्सेज की कमी है, तो वह छात्र भी कम समय में और कम खर्च में इस कोर्स को पूरा कर मैकेनिकल सेक्टर की नौकरी प्राप्त कर सकते हैं और आगे अपने बदौलत, अपनी खुद की कमाई से अपने करियर को अच्छी ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। इस कोर्स के दौरान छात्रों को मैकेनिकल से जुड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे कि मैकेनिक्स, फ्लूड मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, डायनेमिक्स, मटेरियल साइंस, स्ट्रक्चर एनालिसिस, इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ मॉडर्न कंप्यूटर एडेड डिजाइन जिसे CAD कहते हैं सिखलाया जाता है। छात्रों को इस कोर्स के दौरान अलग अलग तरह के मैकेनिकल डिजाइन के बारे में पढ़ाया जाता है। इसके अलावा छात्रों को हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन से जुड़े टॉपिक्स के साथ साथ मेकाट्रॉनिक्स भी पढ़ाया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग के तहत छात्रों को अलग अलग तरह के मैकेनिकल पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताया जाता है। छात्रों को वह सारे कॉन्सेप्ट को समझाया जाता है जिससे वह किसी इंडस्ट्री के डाउन टाइम को काफी हद तक कम कर सके। छात्रों को मशीन के ऑपरेशन के साथ साथ किसी मशीन को कैसे सही तरह से मेंटेन करना है, यह भी सिखलाया जाता है। डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर्स के दौरान कई बार छात्र ऐसा महसूस करते हैं कि उनको बहुत कुछ पढ़ाया जाता है। इसके पीछे कारण यह है कि मैकेनिकल एक बहुत ही बड़ा क्षेत्र है और कोशिश की जाती है कि छात्रों को मैकेनिकल फील्ड की लगभग सभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझा दिया जाए ताकि वह फील्ड में बेहतर काम कर सके। कोई भी छात्र जिसने किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से 10वीं पास कर ली है डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर कोई छात्र 12th के बाद यह कोर्स करना चाहे तो 12th के दौरान उनका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। और अगर कोई छात्र ITI के बाद डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने की सोचते हैं तो उनका ITI 2 साल का किसी मैकेनिकल से रिलेटेड ब्रांच जैसे कि फिटर, मैकेनिक आदि से होना चाहिए। अधिकतर कॉलेज में अगर आपका 12th का परसेंटेज 40% से ऊपर है तो आपको आसानी से एडमिशन मिल जाएगा। ITI और 12th कर चुके छात्रों को लेटरल एंट्री के थ्रू इस कोर्स के लिए सीधे सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाता है।
डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर्स के लिए छात्रों को दो तरह से एडमिशन मिल सकता है, डायरेक्ट एडमिशन और एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन। भारत के कई राज्यों के सरकारी और प्राइवेट कॉलेज में छात्रों को इस कोर्स में डायरेक्ट एडमिशन उनके 10th मार्क्स बेसिस पर आसानी से मिल सकता है। वहीं कई राज्यों के सरकारी कॉलेज के लिए छात्रों को एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना होता है। बिहार, झारखंड, यूपी, दिल्ली, महाराष्ट्र आदि कुछ राज्य हैं जो पॉलिटेक्निक कोर्स में एडमिशन के लिए अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करते हैं। इन सभी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बेहतर जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर्स का ड्यूरेशन 3 साल का होता है, जिसमें 6-6 महीने के 6 सेमेस्टर होते हैं। वहीं जो छात्र 12th या ITI करने के बाद यह कोर्स ज्वाइन करते हैं उनके लिए यह कोर्स 2 साल का ही होता है। डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर्स का ट्यूशन फीस सरकारी कॉलेज के लिए 10,000 से 20,000 रुपये सालाना तक होता है। वहीं प्राइवेट कॉलेज में छात्रों को ज्यादा फीस देना होता है और वहां उनका ट्यूशन फीस 25,000 से 50,000 सालाना तक भी हो सकता है। अगर छात्र इस कोर्स के लिए एजुकेशन लोन लेना चाहें तो वह किस कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं के अनुसार बैंक या राज्य सरकारों द्वारा चलाए जाने वाले कई तरह के स्टूडेंट वेलफेयर स्कीम में से मदद ले सकते हैं। इस कोर्स का सिलेबस इस तरह से प्लान किया गया है कि 10वीं पास करने वाले छात्रों को इस टेक्निकल कोर्स के दौरान किसी भी तरह की कोई समस्या न हो। छात्रों को थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल क्लास के माध्यम से भी मैकेनिकल कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश की जाती है। पहले साल के दौरान छात्रों को बेसिक मैकेनिकल सब्जेक्ट के साथ साथ बेसिक इलेक्ट्रिकल, बेसिक सिविल और बेसिक कंप्यूटर के पेपर्स भी पढ़ने होते हैं। फिर सेकेंड ईयर से मैकेनिकल के एडवांस टॉपिक्स को पढ़ाया जाता है और फाइनल ईयर के 6th सेमेस्टर में छात्रों को प्रोजेक्ट वर्क करना होता है। अगर आप 3 साल का सिलेबस विस्तार से जानना चाहें तो मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर्स के बाद करियर ऑप्शंस की बात करें तो छात्रों के पास इस कोर्स के बाद सरकारी और प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों के साथ साथ हायर एजुकेशन के भी कई मौके होते हैं। छात्रों को इस कोर्स के बाद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, व्हीकल इंडस्ट्री, डिफेंस, एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट सेक्टर, रेफ्रिजरेशन सेक्टर, पावर प्रोडक्शन सेक्टर आदि में नौकरी मिलती है। अगर सरकारी नौकरी की बात करें तो इस कोर्स के बाद छात्रों को RRB, ONGC, IOCL, NHAI आदि में नौकरी मिलती है। वहीं प्राइवेट सेक्टर की बड़ी कंपनियों जैसे कि रिलायंस, महिंद्रा, L&T, मारुति, हीरो, अडानी, पुंजलवाइट आदि में भी छात्रों को नौकरी मिली है। कुछ ऐसे पॉलिटेक्निक ब्रांच होते हैं जिसके छात्रों को अच्छे रोल के साथ अच्छी कंपनी में नौकरी नहीं मिल पाती है, लेकिन मैकेनिकल के छात्रों को यह समस्या नहीं आती है और उन्हें मैकेनिकल से रिलेटेड सभी तरह की अच्छी कंपनियों में अच्छे रोल के साथ नौकरी मिलती है। कुछ महत्वपूर्ण रोल की बात करें तो छात्रों को इस कोर्स के बाद क्वालिटी इंजीनियर, डिजाइन इंजीनियर, टेक्निकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर, इंडस्ट्रियल इंजीनियर, सप्लाई चेन मैनेजर आदि का रोल मिलता है। आज बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग और ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनियों में इंजीनियरिंग कर चुके छात्रों से ज्यादा आसानी से डिप्लोमा के छात्रों को नौकरी मिल जाती है। अगर सैलरी की बात करें तो अगर किसी छात्र को प्राइवेट सेक्टर की किसी अच्छी कंपनी में नौकरी लग जाती है तो उसे 10,000 से 20,000 रुपये का मासिक वेतन शुरुआत में मिल सकता है। वहीं जो छात्र सरकारी नौकरी पाने में सफल होते हैं उन्हें शुरुआती सैलरी ही 25,000 से 30,000 रुपये तक आसानी से मिल जाती है। अक्सर देखा गया है कि डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर्स करने वाले छात्रों को शुरुआती सैलरी 10,000 रुपये की आसानी से मिल जाती है और वह जल्द ही एक्सपीरियंस के साथ बहुत अच्छी सैलरी पाना शुरू कर देते हैं। और कई छात्रों का एग्जाम्पल हमारे पास है जब छात्रों ने 10,000 के करीब की सैलरी से नौकरी शुरू की और आज 5-6 साल के अंदर ही उनकी सैलरी 50,000 से ऊपर है। सब कुछ डिपेंड करता है कि आपने कोर्स के दौरान कितनी अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट को समझा और उसे कितना सही ढंग से अपने काम में इम्प्लीमेंट किया। इस कोर्स के बाद हायर एजुकेशन के लिए अधिकतर छात्र इंजीनियरिंग कोर्स करते हैं और इंजीनियरिंग में अधिकतर लोग मैकेनिकल ब्रांच को ही चुनते हैं, लेकिन अगर छात्र चाहें तो मैकेनिकल से रिलेटेड अन्य ब्रांच में भी इंजीनियरिंग कोर्स के दौरान सीधे सेकेंड ईयर में एडमिशन पा सकते हैं। मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग आदि कुछ फेमस ब्रांच हैं जिनमें मैकेनिकल से डिप्लोमा कर चुके छात्रों को एडमिशन मिल जाता है। पॉलिटेक्निक के बाद एडमिशन के लिए छात्रों को ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है और अधिकतर कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है। वहीं कुछ राज्य जैसे कि हरियाणा और महाराष्ट्र के कॉलेज में छात्रों को लीट एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना होता है। इस कोर्स के लिए सभी राज्य में कॉलेज उपलब्ध हैं और जो भी पुराने और नए पॉलिटेक्निक कॉलेज होते हैं उनमें मैकेनिकल ब्रांच तो पढ़ाया ही जाता है, तो छात्र अपनी सुविधा के अनुसार अपने स्टेट में या बाहर के किसी मेट्रो सिटी जैसे कि चेन्नई, बेंगलुरु, कोलकाता, दिल्ली आदि में सरकारी और प्राइवेट कॉलेज में सीट उपलब्धता के अनुसार एडमिशन ले सकते हैं। अगर छात्र किसी सरकारी कॉलेज में एडमिशन पाने में सफल होते हैं तो यह उनके लिए हर तरह से काफ़ी बेहतर रहेगा, क्योंकि सरकारी कॉलेज के फैकल्टी ज़्यादा अच्छे होते हैं, उनमें लैब फैसिलिटी अच्छी होती है और सरकारी कॉलेज का ट्यूशन फीस भी बहुत ही कम होता है। यह सब कुछ टॉप के कॉलेज हैं।
फाइनली मैं छात्रों को यह बताता चलूँ कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर्स के बाद छात्रों को बहुत सारा काम फील्ड में करना होगा, या अगर वह किसी प्लांट के अंदर भी काम करते हैं तो वहाँ उन्हें कुछ सालों तक तो फिजिकल काम करना ही होगा। फिर अगर वह एक्सपीरियंस के साथ किसी अच्छे पोस्ट पर पहुँच जाएंगे तो वह ऑफिस का काम भी कर पाएंगे। इसलिए कई बार लोग ऐसा मानते हैं कि यह ब्रांच लड़कियों के लिए ज़्यादा सूटेबल नहीं है, लेकिन अगर कोई लड़की यह ब्रांच लेकर पढ़ाई करती हैं तो बहुत ज़्यादा चांस रहेगा कि उन्हें सरकारी नौकरी आसानी से मिल जाए। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर्स के बारे में एक बेहतर जानकारी इस वीडियो में मिल पाई। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। आपकी तरफ से कोई सुझाव या सवाल हो तो मुझे कमेंट कर बता सकते हैं। धन्यवाद।